आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूला। x टू द पावर n, अगर x टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। अगर x का पावर n, n के जगह में कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो अगर x का पावर, तो पावर सामने आएगा और पावर में एक माइनस करेंगे। दूसरा है, अगर ओनली x होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन होता है वन। थर्ड, log x का होता है वन बाई एक्स। e टू द पावर x रहेगा तो उसका e टू द पावर x रूट x का होगा वन बाई टू रूट x। ये सब कुछ बेसिक फार्मूला है जिसका यूज अभी होगा। e टू द पावर x, यहाँ a कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, इसकी पावर यदि x होगा तो इसका फार्मूला होता है a टू द पावर x log a। अब a की जगह में कोई नंबर हो सकता है, लेट अस सपोज a की जगह में 10 है, तो 10 टू द पावर x यदि रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 10 टू द पावर x log 10। तो बेस में जो रहे उसी को लिखेंगे। अब जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब अब ये समझ में आएगा ये कैसे बनता है। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूला है, साइन x इक्वल टू होता है कोस x। कोस x का होता है माइनस साइन x। टेन x का होता है सेक स्क्वायर x। कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। सेक x का सेक x इंटू टेन x। कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। तो इतना सारा फार्मूला है, और इसके अलावा और भी आगे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, कोसेंट रूल आएगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक फार्मूला है, इसका यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये सारे का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये सब वन से लेकर सिक्स तक फार्मूला है, तो इसका यूज कैसे होता है और कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं आइए देखते हैं। एग्जांपल, सबसे पहला वाला हमने फार्मूला आपको बताया, x टू द पावर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस वन। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा डिफरेंशिएशन को y से डिनोट करते हैं, तो y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा x का पावर 5। तो ये फार्मूला कैसे वर्क करता है उसको समझिए। जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिखना है, और उसके बगल में जो क्वेश्चन है उसको उतार दो। y इक्वल टू x के पहले भी लिख दो d बाई डी एक्स, पहले स्टेप में आपको ऐसे लिखना है x का पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड वाला को ही रहने दो, राइट साइड वाला में क्या करेंगे, पावर को सामने लिखेंगे। जैसे पावर 5 है तो लिखेंगे 5, और x का पावर में एक माइनस करेंगे, तो 5 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4, और ये d बाई डी एक्स हट जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ये, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5x टू द पावर 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ रहेगा फाइंड dy वाई बाई डी एक्स इफ x टू द पावर 3, y इक्वल टू x टू द पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले dy वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखो दोनों साइड, और ये क्वेश्चन है उसको लिख दो, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 ऐसे। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड वही रहने दीजिए, इसको क्या करेंगे, पावर सामने लिखेंगे 3 एक्स टू द पावर 2, पावर में एक माइनस करना है, पावर को सामने लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। अगर वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 4 है तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, सबके पहले एक बार डी बाई डी एक्स लिखना है आपको, एक्स टू द पावर माइनस 4। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये डी बाई डी एक्स को हटा देना है, और पावर सामने आएगा और एक्स का पावर एक माइनस होगा, जैसे माइनस 4 था तो उसमें एक और माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5।
आप आंसर में ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। पावर को जनरली हम लोग माइनस में नहीं शो करते हैं, इसलिए इसको नीचे लाएंगे। तो माइनस फोर एक्स को अगर आप नीचे लाते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस फाइव है ये फाइव हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस फोर बाई एक्स टू द पावर फाइव। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर y बराबर दिया हुआ है x टू द पावर m प्लस n, तो क्या करेंगे, सबसे पहले d बाई डी एक्स लिखा जाता है, x के पहले भी d बाई डी एक्स लिखे दोनों साइड, क्वेश्चन के पहले d बाई डी एक्स लिख दीजिए पहले, अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर क्या होगा, सामने आएगा m प्लस n, और ये d बाई डी एक्स को हटा देंगे और x का पावर में एक माइनस करेंगे m प्लस n और उसमें एक माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। y इक्वल टू एक्स टू द पावर मान लीजिए एक बटा दो है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले d बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स हर क्वेश्चन में पहले d बाई डी एक्स लिखना है और क्वेश्चन को उतारना है वन बाई टू। उसके बाद सेकेंड स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड वाला d बाई डी एक्स है उसको ऐसे ही रहने देना है, राइट साइड वाला डी बाई डी एक्स हट जाएगा, पावर सामने आएगा वन बाई टू, और एक्स टू द पावर वन बाई टू था उसमें एक माइनस कर देना है। सिंपल रूल है, पावर में एक माइनस करना है और पावर को सामने लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस वन बाई टू। तो चूँकि नेगेटिव में पावर को नहीं दिखाते हैं इसलिए इसको हम एक स्टेप और बनाएंगे, वन बाई टू एक्स को नीचे ले आओ तो एक्स का पावर हो जाएगा वन बाई टू, पावर यहाँ माइनस में है इधर आकर प्लस में, ये तो ये एक्स टू द पावर एन बराबर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस फार्मूला का ये कुछ एग्जांपल हो गया। इसी तरह से हर एक फार्मूला का एग्जांपल बताते हैं। अच्छा, ये फार्मूला के अलावा आपको और एक दो चीज़ें याद रखना है, जैसे वन टू थ्री फोर ये कोई भी नंबर्स, या फिर ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट, इसके साथ यदि एक्स वाई या फिर जेड इन तीनों में से कोई भी ना हो, केवल ये नंबर्स हो या कोई भी अल्फ़ाबेट केवल हो, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलेंगे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अगर इसके साथ वन टू थ्री कोई भी नंबर हो और या फिर ए बी सी डी वगैरह कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसके साथ यदि एक्स वाई या फिर जेड ना हो तो उसका वैल्यू सीधे सीधे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला देखें किस तरीके से बनता है, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो फोर एक्स टू द पावर थ्री ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है, अच्छा वाई इक्वल टू दिया हुआ रहेगा हमेशा, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स लगाओ, और ये डी बाई डी एक्स कहाँ पर लगाएंगे, एक्स के जस्ट पहले, तो नंबर को बाहर लिखो, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर थ्री ऐसे लिखना है पहले, और अब डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर सामने आ जाएगा तो फोर इंटू थ्री एक्स टू द पावर हो जाएगा टू, और ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व एक्स टू द पावर टू, ये आपका आंसर। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस फाइव एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन। तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे यही वाला को बनाए थे। पहले d बाई डी एक्स लगाएंगे, d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर फोर, सब में d बाई डी एक्स लगाइए, फाइव d बाई डी एक्स एक्स के पावर थ्री प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स टेन। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर फोर है तो क्या होगा, फोर एक्स टू द पावर थ्री, पावर में एक माइनस होगा और पावर सामने आएगा और डी बाई डी एक्स हट जाएगा। वैसे ही फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन एक्स का पावर टू हो जाएगा, एक घटेगा, और यहाँ पर टू एक्स का पावर वन, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस ये दस टेन है तो टेन के साथ कोई भी एक्स या वाई या फिर जेड नहीं है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू जीरो होता है। देखो कोई भी नंबर हो उसके साथ अगर एक्स वाई या जेड ना हो या कोई अल्फ़ाबेट हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है,
तो इसका आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x3 प्लस 15x² प्लस 2x। ये तो ये आपका जो बेसिक फार्मूला था x^n इक्वल टू n x^n-1 उसका कुछ एग्जांपल हुआ। अब बाकी का भी कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे log x का e^x, रूट x, a^x, इन सब का कैसे बनता है उसे समझिए। दूसरा हमारा फार्मूला था log x, log x का होता है 1/x। तो जैसे इसका एग्जांपल कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारा एक साथ हो। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू 5x^3 प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस log x प्लस e^x प्लस 7। मान लो कुछ इस तरीके से बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, तो आंसर कैसे निकलेगा देखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू 5x^3 प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस log x प्लस e^x प्लस 7। आपको क्या करना है, सब में डी बाई डी एक्स लगा, पहले डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 5d/dx। हमेशा ध्यान रखेंगे d/dx लगाएंगे x के पहले, कांस्टेंट जैसे ये नंबर है ना उसको कांस्टेंट बोलते हैं, उसको बाहर लिखेंगे। x^3 प्लस 4 को बाहर लिखो और d/dx लगाइए x^2 प्लस d/dx x प्लस d/dx, ये log x एक ही साथ है, log x प्लस d/dx e^x प्लस d/dx 7। पहले ऐसे लिखना है। अब आपको निकालना है डिफरेंशिएशन dy/dx, ये लेफ्ट साइड वाला dy/dx को सेम रहने देना है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इन सब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर सामने आएगा, जैसे 5 इंटू 3 और x का पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। वैसे ही 4 इंटू 2 और x का पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस एक्स। तो आपको देखिए फार्मूला था आपका ओनली एक्स, ये वाला ओनली एक्स रहेगा तो उसका होता है 1। तो यहाँ पर लिख दो 1 प्लस log x का होता है 1/x। ये देखिए log x का क्या होता है 1/x। तो ये सारे फार्मूला आपको क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा 1/x। और e^x है तो उसका e^x ही होता है, ये भी देख लो फार्मूला में e^x का फार्मूला e^x। और ये कोई भी नंबर हो, जैसे ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x नहीं है तो इसका वैल्यू 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू 15x^2 प्लस 8x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस e^x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, ये आपका कुछ बेसिक फार्मूला है और इसी के बेसिस पे बाकी सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। एक्सरसाइज 12A, कुछ बेसिक फार्मूला के बाद आपका कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सब में आपको dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर छूटा हुआ है क्वेश्चन, हम लिख देते हैं फाइंड dy/dx, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ रहेगा। तो आपको dy/dx निकालना है सब में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू x^4। तो आपने अभी देखा था फार्मूला, क्या करेंगे d/dx लगाएंगे दोनों तरफ, y इक्वल टू d/dx x^4 और dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर है और सामने आ जाएगा और पावर में एक माइनस करेंगे तो 4 सामने और x^4 में से गया तो 3, dy/dx हट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
इसका 2, y इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर m प्लस n, तो क्या करेंगे d बाई डी एक्स लगाएंगे, y इक्वल टू d बाई डी एक्स x टू द पावर m प्लस n। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इसको सेम रहने दीजिए, यहाँ पर पावर को सामने लाएंगे m प्लस n, और x का पावर हो जाएगा एक माइनस, m प्लस n था उसमें एक माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर है y बराबर 1 बाई एक्स टू द पावर 4, 1 बाई एक्स टू द पावर 4। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते क्योंकि x नीचे है, तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, y इक्वल टू x को ऊपर लेके जाएंगे, तो x का पावर 4 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा माइनस 4। देखिए रूल क्या है कि अगर x को आप डिवाइड में उसको ऊपर लेके जाते हो तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब तक ऊपर नहीं लाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है, तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे दोनों साइड, 1 आपके मन है लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर माइनस 4। ध्यान रखेंगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे हमेशा एक्स के पहले, तो जितना भी नंबर है उसको बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है इसलिए इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब पावर है सामने आएगा तो 1 इंटू माइनस 4, और x का पावर हो जाएगा माइनस 4, तो पहले था उसमें एक माइनस करते हैं, जितना भी पावर होगा उसमें एक माइनस अपने तरफ से करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, और x का पावर माइनस 5, माइनस 4 और 1 माइनस 1 माइनस 5 हो गया। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली x का पावर माइनस में नहीं दिखाते, तो उसको हम लोग नीचे लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 4, x को नीचे लाओ तो यह पावर माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस 5 था तो 5 हो जाएगा। तो जैसे इसके पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आप x का पावर 4 था, इसको ऊपर ले गए थे तो प्लस में था वो माइनस हो गया था पावर, यहाँ पर उल्टा किया आपने, ऊपर से नीचे लाए तो साइन चेंज हो गया, तो इस तरीके से बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में देखिए y बराबर x टू द पावर 3 बाई 2, इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स लगाएंगे सबसे पहले, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 बाई 2। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले d बाई डी एक्स ये नोटेशन लगाया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर क्या होगा सामने आएगा 3 बाई 2, और x का पावर हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1, और ये d बाई डी एक्स हट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बाई 2 एक्स टू द पावर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 या 3 माइनस 2, तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 2 एक्स टू द पावर 1 बाई 2, ये आपका आंसर। ये छोटी छोटी सम से वाई इक्वल टू 2 बाई एक्स, वाई इक्वल टू 2 बाई एक्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि x नीचे रहेगा तभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो y इक्वल टू 2, और x को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, जैसे आप ऊपर लेके जाते हो तो साइन चेंज हो जाता है, या नीचे से ऊपर से नीचे लाओगे तो भी साइन चेंज हो जाता है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए d बाई डी एक्स लगाएंगे, d बाई डी एक्स, और ये y था y लिखती है, 2 को बाहर रखो, d बाई डी एक्स और x का पावर माइनस 1, एज इट इज क्वेश्चन उतार दिए d बाई डी एक्स लगाकर, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तब को फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना। अब देखो 2 इंटू पावर माइनस 1 है तो इसको सामने लाओ माइनस 1, और x का पावर हो जाएगा माइनस 1 में अपने से एक माइनस 1 करते हैं, पहले माइनस 1 था अब एक माइनस 1 और आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नेगेटिव में पावर को नहीं दिखाते हैं इसलिए उसको नीचे लाएंगे, अगर आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 2 है, तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा,
ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक y इक्वल टू रूट एक्स का पावर माइनस सिक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का पावर माइनस सिक्स, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ना रूट हटाएंगे, y इक्वल टू, देखिए रूट में ना यहाँ टू साइलेंट रहता है, टू छुपा हुआ रहता है, लिखा हुआ नहीं मतलब टू है, तो इसको रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x का पावर माइनस सिक्स है और ये यहाँ टू है ना, वो नीचे आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। जैसे मान लीजिए रूट क्यूब रूट रहता है यहाँ पर x का पावर थ्री से, थ्री नहीं फाइव, मान लो ऐसा रहता, तो हम रूट कैसे हटाते, तो x का पावर फाइव और ये जो यहाँ पर जो भी नंबर है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाता, तो इस तरीके से रूट हटाया जाता। तो यहाँ पर जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब ये टू साइलेंट रहता है, तो इसको हटाओगे तो क्या होगा, माइनस सिक्स बाई टू ऐसे, तो यहाँ पर ये आ गया टू, कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब टू साइलेंट है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर माइन, अच्छे इसको कट कर सकते हो माइनस थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस थ्री सामने आएगा और एक्स का पावर माइनस थ्री और एक माइनस करेंगे और डी बाई डी एक्स हट जाएगा। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर, ये भी आप लिख सकते हैं या फिर उसको नीचे लाओ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स टू द पावर, चूँकि माइनस में था तो इधर लाएंगे नीचे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स का फार्मूला आपको बताए थे sec स्क्वायर x, तो सबसे पहले d बाई डी एक्स लिखेंगे, दोनों के पहले d बाई डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x, टेन एक्स का फार्मूला sec स्क्वायर x बस। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गया, ये दो ठक खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसको पहले रूट हटाइए और उसको ऊपर ले जाइए, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो m माइनस वन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको दो ठक ट्राई कर लेना, और ये आपका एक्सरसाइज 12A डन।